हेलो दोस्तों, आपका योगेश अकेडमी स्वागत है। आज के स्टूडियो हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ के बारे में। आपको इस स्टूडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट, कॉलेज के रैंक वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखने वाले हैं कॉलेज के डिपार्टमेंट्स के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में। टोटल कितने ब्रांचेस इस कॉलेज में, कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है और हर एक डिपार्टमेंट में कितनी इनटेक कैपेसिटी है। और थर्ड नंबर हम कॉलेज के कट ऑफ के बारे में देख लेंगे, जो कि कट ऑफ हमारा एमएससी सिटी का है। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देख लेंगे। फोर्थ नंबर पर हम कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। और फिफ्थ नंबर पर हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, इनटेक कैपेसिटी क्या है और टोटल कितना फीस है हॉस्टल का। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। हम अकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या गया था, एवरेज पैकेज क्या था, टोटल कितनी कंपनी आती है और हर एक डिपार्टमेंट में कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कॉलेज का लोगो दिया गया और कॉलेज की इमेज दी गई है। हम कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से 60 साल के ऊपर हो चुका है इस कॉलेज को। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ है। कॉलेज के लोकेशन के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा विद्यानगर कराड़ सतारा 415124 में आ जाता है। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड अफिलेटेड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है, www.gcekarad.ac.in। हम कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा पुणे एयरपोर्ट है, जो कि 174 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा कराड़ है, जो कि 4.7 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा कराड़ है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे। और हमारा जो कॉलेज का DTE कोड है वो 6005 है। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करें तो कॉलेज हमें BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं BTech में टोटल 5 ब्रांचेस मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक में जो इनटेक कैपेसिटी है यहाँ पे 60 की दी गई है। तो टोटल हमें BTech में 300 सीटें मिल जाती है। और आप यहाँ पे BTech के बाद MTech भी कर सकते हो। MTech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो MTech में हमें यहाँ पे 6-7 ब्रांचेस मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक का जो इनटेक कैपेसिटी है 18, 18, 25, 25। तो टोटल MTech में हमें यहाँ पे 161 सीटें मिल जाती है। अब हमारा आता है कॉलेज का कट ऑफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिया गया है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, ओपन है OBC, SC, ST, EWS, TFWS है। तो यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे सिर्फ MSCCT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे अभी बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे NT1, NT2, NT3 का कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो उनका जो कट ऑफ होता है OBC और SC के बीच में होता है। आप यहाँ पे अंदाजा एक लगा सकते हो। जैसे कि हम सबसे पहले सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का जो कट ऑफ है 78% आयल है, OBC का 74% आयल है और SC का यहाँ पे 72% आयल है। तो जो हमारा NT का कट ऑफ होगा यहाँ पे 74 और 72 के आसपास होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ST कैटेगरी का कट ऑफ गया था सिविल डिपार्टमेंट का 27% आयल गया था, EWS का 82.42% आयल गया था और TFWS का आप देख सकते हो 87% आयल गया था। तो हम IT डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ IT है। तो IT का जो ओपन का कट ऑफ है 96% आयल गया था, OBC का 94 है, ST का यहाँ पे देख सकते हो 89 है और ST कैटेगरी का यहाँ पे 62 है, EWS का 96 है, TFWS का 97 है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ओपन का जो कट ऑफ है 89% आयल गया है, OBC का 82% आयल है, ST का कैटेगरी का यहाँ पे 81 है। तो यहाँ पे ST का आप देख सकते हो 8% आयल है। डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो 81 है ST का और डायरेक्ट ST का यहाँ पे 8% आयल है, EWS का 90% आयल है और TFWS का 91% आयल है। अब ENTC डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है यहाँ पे 93% आयल गया था, OBC का 91 गया था, ST का यहाँ पे 87 गया था और यहाँ पे जो हमारा ST कैटेगरी का कट ऑफ है 0% आयल गया था, मतलब 0.42% आयल। EWS का 93% आयल है, TFWS का 94.62% आयल गया था। अब यहाँ पे आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी देख सकते हो, मैकेनिकल का जो ओपन का कट ऑफ है 86% आयल गया है, OBC का 81 है, ST कैटेगरी का 78 है और यहाँ पे आप देख सकते हो ST कैटेगरी की सीट यहाँ पे वैकेंट है, मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है। EWS का 88% आ गया था, TFWS का 93% आ गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ओपन और TFWS का कट ऑफ है एकदम हाई है। और ST कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हो ST और SC का, SC का तो मतलब हाई थोड़ा, मतलब OBC से थोड़ा कम है, लेकिन ST का एकदम ना के बराबर है। वैसे भी इनकी मतलब ज़्यादा सीट नहीं होती है, 2 या 3 ही सीट होती है।
अगर आपको इस कॉलेज में मतलब ITENDC ये सब डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको 90+ percentile लाना पड़ेगा, और आपको अगर कोर में जाना है जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो आपका 80 से 90 के बीच में भी रहेगा तो भी आपको यहाँ पर अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। अब हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है 15,000 है, कॉलेज का जो हमारा डेवलपमेंट फीस है 39,000 है, जो हमारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस है टोटल मिला के 30,000 है। तो आप देख सकते हो जो हमारी टोटल फीस है 85,421 रुपीज़ है। अब हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से फीस देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओपन का फीस है 85,000 दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो SC और ST का फीस है यहाँ पर 4,571 रुपीज़ है। तो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है, डेवलपमेंट फीस और अदर फीस होती है, गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ हो जाती है। अब VJDT NT 1, 2, 3 OBC और SBC कैटेगरी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी फीस यहाँ पे 44,421 रुपीस है। यहाँ पे आप देख सकते हो EBC SEBC और EWS का जो फीस है यहाँ पे 77,921 रुपीस है, और जो हमारे TFWS की फीस है 70,421 रुपीस है। TFWS की फीस में यहाँ पे ट्यूशन फीस ऑफ हो गई है पूरी, और हमारा EBC SEBC और EWS में यहाँ पे ट्यूशन फीस 50% ऑफ हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पे जो TFWS का फीस है 70,000 दिया गया है और EWS का 77,000 दिया गया है। तो अगर आपको TFWS मतलब कहीं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे TFWS का फीस 20 से 25 या 30 के आसपास रहता है तो आप उन कॉलेज में भी जा सकते हो, यहाँ पे 70,000 भरने से अच्छा है आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में कम फीस में आराम से एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आपकी अदर कैटेगरी है जैसे SC ST हो गया या ओपन कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर फीस कम पड़ेगी। अब हम कॉलेज के हॉस्टल इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे जो जर्नल की फीस है अलग है और ST ST के लिए यहाँ पे फीस अलग है। तो जो हमारी जर्नल की टोटल फीस है 7,700 रुपीज़ दिया गया है, और ST ST की जो फीस है यहाँ पे 7,200 रुपीज़ दी गई है। तो उनका जो हॉस्टल का एडमिशन फीस है खाली वो कैंसिल हुआ है, बाकी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह वो सब पूरा मिला के दिया गया है। अब यहाँ पे हम हॉस्टल के मेस चार्ज के बारे में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है, ऑर्डर इवन सेमेस्टर के हिसाब से दिया गया, मतलब आपको हर सेमेस्टर मतलब 6-6 महीने का यहाँ पे फीस भरना पड़ेगा। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे 8,000 दिया गया है 6 महीने का, और बाकी के 6 महीने का भी 8,000 सेम ही दिया गया। बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे सेम ही है 9,350 रुपीज़ दोनों सेमेस्टर के लिए। अब हम हॉस्टल के इंटेक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 5 हॉस्टल मिल जाते हैं, 4 तो बॉयज़ के लिए और 1 गर्ल्स के लिए, तो हॉस्टल डी हॉस्टल सी ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे रूम देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हॉस्टल डी में टोटल 60 रूम है, इंटेक कैपेसिटी 180 का है, सेम हॉस्टल सी का भी वही है, हॉस्टल बी में 40 रूम है, इंटेक कैपेसिटी 120 का है, और PG हॉस्टल है जो कि बॉयज़ के लिए रूम 14 दिया गया और कैपेसिटी 45 का, और जिजाऊ गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें टोटल 80 रूम्स है और कैपेसिटी 240 का है, मतलब एक रूम में 3 स्टूडेंट रह सकते हैं। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से टोटल कितनी कंपनी आई थी इस कॉलेज में, टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम पैकेज क्या गया, एवरेज पैकेज क्या गया और मिनिमम पैकेज क्या गया। तो सबसे पहले हम 2019-20 के बारे में बात करें तो टोटल 38 कंपनी आई थी, और 2020-21 में 56 कंपनी आई थी, 21-22 में 53 आई थी, और 22-23 में 124 कंपनी आई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो 2019-20 में 240 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 106 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2022 में 199 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, और 2023 में 276 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से जो कॉलेज का मैक्सिमम पैकेज है 12 LPA गया था, 25 LPA गया था, 9 LPA गया था, और लास्ट ईयर 18 LPA गया था। एवरेज पैकेज भी आप देख सकते हो यहाँ पे 3.8 LPA, 4 LPA, 5.7 LPA, 5.17 LPA और 5.06 LPA। मिनिमम पैकेज आप देख सकते हो यहाँ पे 2.5 से लेकर 3 लाख के आसपास है। अब यहाँ पे हम लास्ट ईयर का प्लेसमेंट देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और ओवरऑल प्लेसमेंट क्या था। तो आप देख सकते हो टोटल 276 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 88% प्लेसमेंट था लास्ट ईयर। सिविल में 47 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, IT में 59, इलेक्ट्रिकल में 65, ENDC में 53 और मैकेनिकल में आप देख सकते हैं 52 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल में 100% प्लेसमेंट था, बाकी यहाँ पे सिविल में 98% था, मैकेनिकल में 88% था, IT और ENDC में आप देख सकते हो थोड़ा कम है, मतलब 84 और 73 के आसपास है, बाकी कोर में यहाँ पे मैक्सिमम हमें प्लेसमेंट दिख रहा है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।